तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मेरे पास है ये कपड़े सिलने वाली जुकी मशीन, और देखिए ये बहुत अच्छी चलती है और बहुत इसमें कोई भी हमें दिक्कत नहीं आती है सिलाई करने में। छोटी मशीनों में जल्दी जल्दी खराबी होती है। इस मशीन में क्या होता है, हमको एक बार तेल डालना पड़ता है 6 महीने में, और हमें कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं आती है। और कुछ बार ऐसा होता है, हम लोग कपड़ों की सिलाई करते हैं तो हमारा धागा जो है कटने लगता है। तो मैं आपको बताती हूँ, ये जो बड़ी वाली सुई है इससे हम लोग बैग वगैरह सिल सकते हैं, और ये हमारा नॉर्मल कपड़ा जो होता है कोई भी कपड़े में इसको हम चला सकते हैं। और ये वाली जो सुई होती है इससे हम लोग पैंट का कपड़ा वगैरह सिल सकते हैं। और ये जो तीसरी वाली जो सुई होती है ये बहुत पतली होती है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका छेद बहुत छोटा होता है। तो इसको हम जो लेदर वाला कपड़ा आता है ना, बनियान वाला, उसको सिलाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, छेद वगैरह नहीं आते हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है लेडीज़ लोग घर में सिलाई करती हैं तो उनको दिक्कतें आती हैं। ये सारी सुइयां जो हैं मेरी 18 नंबर की हैं, और इसका बस 18 नंबर में हम लोगों को इसका साइज चेंज करना पड़ता है। ये मोटी वाली है और ये पतली वाली है, और उससे बाद में ये वाली है, और इसके बाद में ये वाली है। सारी सुइयां एक ही नंबर की हैं, पर इसमें क्या होता है, छेद बड़े छोटे होते हैं, और कोई नीडल मोटी होती है कोई पतली होती है, इसमें और कोई दिक्कत नहीं आती है। आप भी अगर घर में स्टिचिंग करते हैं तो कभी भी अगर धागा मशीन छोड़ती है तो आप अपनी सुई का ध्यान दें कि आपने सुई कौन सी वाली लगा रखी है। मोटे के लिए मोटी सुई जो चाहिए होती है, और पतले कपड़े को सिलने के लिए पतली वाली चाहिए होती है, और जो बनियान वाला कपड़ा होता है उसको सिलने के लिए ये सबसे पतली वाली सुई का इस्तेमाल आप भी करें।